नमस्कार दोस्तों, हार्मोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही जबरदस्त एडवांस एक्सरसाइज लेके आया हूँ 10 थाटों के ऊपर, कि 10 थाट कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर अपनी उंगलियां चला सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये एक्सरसाइज करना सीख गए, बजाना सीख गए, तो दुनिया का कोई भी गाना आपसे बजाना मुश्किल नहीं होगा। आप कोई भी गाना बड़ी आसानी से बजा पाएंगे। एक्सरसाइज क्या है कि आपको अभी वीडियो में 10 थाटों की पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको सारे 10 के 10 थाट एक सीक्वेंस में जिस तरीके से मैंने लिखे इसी तरीके से बजाने। एक ही एक्सरसाइज है, सा 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 रे रे रे, 4 4 स्वर है सारे, है ना। इनको पहले थाट वाइज बजाएंगे, पहले बिलावल में बजाएंगे, फिर खमाज में बजाएंगे, कल्याण में जिस तरीके से मैंने थाट लिखे इसी तरीके से बैक टू बैक बजाने ये सारे एक्सरसाइज, और बिना रुके ताल कहरवा के साथ बजाने। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को समझिए मैं किस तरीके से बजा रहा हूँ, फिर इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए, अगर आप गा के बजाएंगे तो गले की बहुत अच्छे से तैयारी होगी, स्वर ज्ञान भी होगा, ताल की भी तैयारी होगी, और उंगलियां भी मक्खन की तरह चलेंगी। चलिए मैं पहले आपको एक्सरसाइज को बजा के दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं कैसे एक्सरसाइज को बजाना है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को सेम इसी तरीके से आपको अलग अलग थाटों में बजाना है एक ही स्पीड में। सिंपल एक्सरसाइज है, सा सा रे रे गा गा, जिसमें सा भी 4 बार, रे भी, हर एक स्वर 4 4 बार मैंने बजाए हैं, दुगन स्पीड में बजाए हैं, ताल कहरवा के साथ बजाए हैं, और सारे के सारे थाट बैक टू बैक बजाए हैं। पहला बिलावल, फिर उसके बाद खमाज, खमाज के बाद कल्याण, कल्याण थाट के बाद काफी थाट, काफी के बाद आपका आशावरी थाट, आशावरी के बाद भैरवी थाट, भैरवी के बाद भैरव थाट, भैरव के बाद मारवा थाट, मारवा के बाद पूर्वी, पूर्वी के बाद तौड़ी थाट। 10 थाट मैंने बैक टू बैक बजाए हैं बिना रुके ताल के साथ। अगर आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ पहली काली स्केल से बजाई, अगर आप सारे स्केल से प्रैक्टिस करते हैं, यकीन मानिए आपकी उंगलियां बहुत अच्छी से चलेंगी, बहुत तेजी से आपकी उंगलियां चलेंगी, दौड़ेंगी। इवन पियानो, हारमोनियम, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप ये रियाज कर सकते हैं। गा के बजाएंगे तो गले की तैयारी होगी, स्वर ज्ञान भी होगा, ताल की भी तैयारी होगी। सो आज से ही इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए। ये एक ही एक्सरसाइज रामबाण है आपको हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिखाने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं वीडियो में, शुक्रिया।